राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजस्व परिषद में संबंध में विशेष सचिव आबकारी आईपी पांडे ऑडियो वायरल होने के बाद एसटीएफ ने की थी कार्रवाई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं, दलाल पीयूष अग्रवाल, गौरीकांत व कमलेश को किया गया गिरफ्तार। एसटीएफ ने शासन को भेजी थी आईएएस की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता देते हैं, राजस्व परिषद में संबंध हुए विशेष सचिव आबकारी आईपी पांडे वीडियो वायरल होने के बाद एसटीएफ ने की थी कार्रवाई। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं, दलाल पीयूष अग्रवाल, गौरीकांत और कमलेश को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। होने के बाद एसटीएफ ने की थी कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, लखनऊ से दलाल पीयूष अग्रवाल, गौरीकांत व कमलेश को गिरफ्तार किया गया है, एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने शासन को रिपोर्ट भेजी थी। राजस्व परिषद में संबंध हुए विशेष सचिव आबकारी आईबी पांडे ऑडियो वायरल होने के बाद एसटीएफ ने की थी कार्रवाई। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता देते हैं, दलाल पीयूष अग्रवाल, गौरीकांत और कमलेश को गिरफ्तार किया गया है, एसटीएफ ने शासन को भेजी थी आईएएस की रिपोर्ट। लखनऊ से हमारे साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मनीष, क्या कुछ कार्रवाई की गई है और आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? मनीष, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? एसटीएफ ने शासन को रिपोर्ट भेजी थी। राजस्व परिषद में संबंध हुए विशेष सचिव आबकारी पांडे आईबी पांडे ऑडियो वायरल होने के बाद एसटीएफ ने गिरफ्तारी की थी। डिप्टी ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है, क्या है आगे, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, एसटीएफ ने दो दिन पहले गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था पत्रकार के मामले में, जो एक तथाकथित पत्रकार बताया जा रहा था, और 1.25 करोड़ रुपए में आईएएस की पोस्टिंग, जो केडीए था उसमें उपाध्यक्ष के पद के लिए ये पैसे का लेन देन किया गया था। लगभग 15 लाख रुपए कैश दे दिए गए थे जो बिचौलिए थे, और इसी के तहत एसटीएफ ने जांच करी थी और इसमें एक आईएएस अधिकारी को तैनात करने की बात कही जा रही थी। ये आईएएस अधिकारी की जो जांच रिपोर्ट भेजी है शासन में, उसमें विशेष सचिव आबकारी के पद पर आईपी पांडे जो थे उनको अब संबंधित कर दिया गया राजस्व परिषद में। इन्हीं को लेकर के इस तरह की ये बात कही जा रही है कि इनकी पोस्टिंग को लेकर के ही जो पैसे का लेन देन किया गया था उसकी विस्तृत रिपोर्ट जो बना के एसटीएफ ने भेजी, उसके बाद शासन ने एक कार्रवाई की थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे आईएएस अधिकारी की जब इतनी ज्यादा साठगांठ है ऐसे पदों पर तैनाती के लिए, अगर लेन देन का प्रकरण उठा है, तो ऐसे में इतने मामूली तौर पे अगर कार्रवाई की सिर्फ खानापूर्ति मात्र की गई, इस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं कि अगर ऐसे आईएएस अधिकारी अपनी तैनाती के लिए 1.25 करोड़ रुपए की डील करा सकते हैं तो ऐसे आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, सिर्फ संबद्ध मात्र करके एक खानापूर्ति जरूर की गई है। शुक्रिया मनीष जी इस तमाम जानकारी के लिए। दलाल पीयूष अग्रवाल, गौरीकांत और कमलेश को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है, एसटीएफ ने शासन को रिपोर्ट भेजी थी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं, लखनऊ से राजस्व परिषद में संबंध हुए विशेष सचिव आबकारी आईबी पांडे ऑडियो वायरल होने के बाद एसटीएफ ने की थी कार्रवाई। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी लखनऊ से आपको बता देते हैं, बलरामपुर में क्वारंटाइन